जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सनातन धर्म का अर्थात नववर्ष अर्थात हिंदू नववर्ष में आप सबको मेरे और मेरे प्रभु की तरफ से ढेर सारी हार्दिक अभिनंदन। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का अर्थात सदा सनातन धर्म का हिंदू का नववर्ष है। कहीं को पता होगा नववर्ष तो 31 को होता है आज क्या, मगर हिंदू का जो त्यौहार होता है और सनातनियों का जो नववर्ष होता है आज के दिन अर्थात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि चैत्र महीना में ये महाप्रभु अर्थात सनातन धर्म का नववर्ष अनुष्ठित होता है। आइए जानते हैं इस कहीं को पता ही नहीं होता है सनातन धर्म का अर्थात हिंदू का नववर्ष कैसे पालन होता है और कब ये नववर्ष होता है, इस विषय में आज जानेंगे। कईयों का कि पता होगा क्या पंडित जी बात कर रहे हैं सनातन का नया साल, सनातन का नया साल, मगर आप भूल गए हो अपना जो वजूद है, आप भूल गए हो अपना जो धर्म है, आप भूल गए हो अपना जो सम्मान है। केवल सनातन का ही सनातन धर्म है, इसीलिए आपका सारा सृष्टि में सारा दुनिया में आपका नाम है, क्योंकि आदि अनंत सनातन धर्म ही होता है। मगर कईयों को पता नहीं होगा, यूथ जो जनरेशन है उनका भी पता नहीं होगा कि आज हमारा नया साल है, क्योंकि क्रिश्चियन का नया साल अर्थात जो 31 होता है, अगले माने औरों का नया साल बड़ी धूमधाम से पालन होता है, क्योंकि सबको पता होगा दारू होगा, शराब होगा, रात भर तक ये चलता रहेगा, पार्टी चलता रहेगा, पब चलता रहेगा, वही नया साल होता है। मगर वह गलत है, उस समय भी कुछ शुभकामी नहीं होता, उस समय में भी कुछ मतलब बसंत ऋतु नहीं आता, इसीलिए उस समय से बंजर पड़ता है। मगर हिंदू का जो फेस्टिवल होता है, हिंदू का जो नववर्ष होता है, सृष्टि जब रचयिता होता है, जैसे पेड़ों में फल फूल बसंत ऋतु में बड़ी आनंद भाव से आता है, इसीलिए हिंदू धर्म का जब आरंभ होता है ना, सबको लेके आरंभ होता है, इसीलिए कईयों का पता नहीं होगा कि आज हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म का नया साल होता है, क्योंकि ये कईयों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर खुद का वजूद, खुद का आत्मसम्मान, खुद का जो सम्मान है उसको। सनातन जो था है रहेगा, सनातन कहीं आदि मतलब सृष्टि जब हुआ था तब से सनातन धर्म का आपको पता है ये धर्म का कितना पुरातन धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, देव धर्म है। तो इस धर्म में और अर्थात आज क्यों नया साल माना जाता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि चैत्र महीना में, क्योंकि आज के दिन ब्रह्मा दायित्व लिए थे सृष्टि को रचना करने के लिए, और आज के दिन श्री रामचंद्र जी सिंहासन में अभिषेक हुआ था, आज के दिन युधिष्ठिर भैया का राज अभिषेक हुआ था, और आज के दिन मत्स्यरूप महाप्रभु धारण किए थे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात चैत्र महीना में, इसीलिए आज ये सृष्टि का रचना और सृष्टि का रचयिता जो ब्रह्मा जी है, आज रचना का जो भार अपने हाथों में लिए थे, इसीलिए आज हिंदू नववर्ष अर्थात सनातन का नववर्ष पालन होता है। कहीं चलिए इस सृष्टि का जब आज रचना हुआ था उसका साक्षी रहे, और महाप्रभु जी का ये जो सनातन धर्म का जो त्यौहार है, सनातन धर्म का जो आरंभ है, उसको हम बड़ी मन पवित्र मन भाव से आराधना से महाप्रभु जी के पास में भक्ति भाव से आज बिताए और सब में एक समान भाव लाए और सबका मंगल हो, ऐसे महाप्रभु जी की कामना करें। जय जगन्नाथ। हिंदू नववर्ष के बाद उत्कल नववर्ष अर्थात उड़िया नववर्ष में पना संक्रांति में भी हम बड़ी अच्छी मन पवित्र मान भाव से करते हैं, तो उस उड़िया नववर्ष अर्थात उत्कल नववर्ष में और एक वीडियो भी होगा, उसके में जानेंगे उड़ीसा का नववर्ष कैसे होता है। और आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय जगन्नाथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो सबको ये वीडियो पहुँचाओ, और हिंदू का अस्तित्व, हिंदू का जो त्यौहार, हिंदू का जो धर्म और हिंदू का जो और इस सम्मान सब आगे बढ़ाइए।